जितना ज्यादा मेहनत करना है कर लो, अपनी वीडियो का थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा लगा लो, लगाना है लगा लो। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आपका चैनल दोस्तों प्रमोट नहीं करता कोई, अगर अभी के टाइम पे अगर आपके चैनल पे कोई बूस्ट नहीं देता है, तो आप जितना मर्जी मेहनत कर लो घिस जाओगे, लेकिन आपका जो है यूट्यूब पे वीडियो कभी भी जो है वायरल नहीं होगा अभी के टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है अभी के टाइम पे हम लोग अपने चैनल पे 100, 200, 300 जितना मर्जी वीडियो अपलोड कर ले, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारा प्रमोशन, छोटा सा भी प्रमोशन नहीं करता है, तो हमारे चैनल पे अच्छा खासा व्यूज नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि यहाँ पर दो तीन, मैंने अपने वीडियोज में दो तीन ऐसे चैनल दिखाए जिनको कि यहाँ पर प्रमोशन किया जाता है, तो उन वीडियोज पे अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा रिसेंट वीडियो पे जो बहुत ही अच्छा खासा जो है चैनल भी बूस्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा खासा जो है व्यूज भी उनके वीडियोस में मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बता रही हूँ आप लोग को, अभी के टाइम पे आप लोग जितना मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी थंबनेल, टाइटल, टैग पे जितना मर्जी आप लोग अच्छा बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन आपका चैनल जो है कोई भी अगर आपका चैनल प्रमोट नहीं करता है, तो आपका चैनल अभी के टाइम में कभी भी ग्रो नहीं होगा। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, मैं भी 2 साल से यहाँ पर जो है यूट्यूब पर मेहनत करूँ, लगातार वीडियोज भी अपलोड करूँ, लेकिन अभी के टाइम पर अभी तक मेरा अच्छा खासा व्यूज नहीं आ पा रहा है। तो आप लोगों का कैसे आ जाएगा? आप लोग का हाल ही में 3 से 4 महीना पुराना चैनल है, बहुत ही अच्छा किस्मत होता है उन लोगों के, बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं, 100 में से 3-4 लोग ही ऐसे हैं जिनका किस्मत अच्छा है, जिनका 1 साल के अंदर में या 5-6 मंथ के अंदर में अच्छा खासा चैनल ग्रो हो जाता है और उनके चैनल पे उनके चैनल के वीडियोज पे अच्छा खासा जो व्यूज आता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, अभी 100 में से 95% ऐसे लोग हैं जिनके चैनल पे अच्छा खासा व्यूज नहीं आता दोस्तों, उनका क्या होगा? उनका तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा ना यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पर 2-3 साल यहाँ पे हर कोई यूट्यूब पे काम करता है, उसके बाद वो सक्सेस नहीं होता है तो डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो जो यूट्यूब छोड़ देता है, तो उनका क्या होगा? तो इसी बीच हम सबके लिए जो हेल्प करने के लिए आए थे अंशु मौर्या सर, जो हम लोग के लिए एक चैनल ओपन किए थे, और उस चैनल पे दोस्तों वो संघर्षमय लोगों का जो अपना कहानी बताते, उनका जो है उन लोगों को अपने चैनल पे लाते और उस चैनल से उनका कुछ ना कुछ हेल्प होता, ताकि उनके वीडियोज पे जो है उनके चैनल पे अच्छा खासा जो है एक्टिव सब्सक्राइबर जाता है कि उनके वीडियोस देखे और उनका भी जो है चैनल बूस्ट हो और उनके चैनल से भी और वो भी अपने चैनल से जो यूट्यूब से जो पैसा कमाए, इसलिए उन्होंने अपना एक चैनल क्रिएट किया था। और यहाँ पर लोग, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पे देख रहे होंगे, लगातार लोग जो है वीडियोज बना रहे हैं कि टेक चैंपियन सर जो है लोगों से पैसा मांग रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरे भी वीडियोज पे कितने सारे लोग का कॉमेंट आया था कि कटोरा ले लो, भीख वगैरह मांगो, तो क्या कर रहे हो यार, कुछ भी अच्छा कमेंट कर लो, अगर कोई अच्छा कमेंट नहीं करने आता तो कमेंट ही नहीं करो, मतलब बोलने अगर नहीं आए तो मत बोला करो किसी के बारे में, क्योंकि तुम कहाँ आते हो लोगों को मेहनत करने के लिए, तुम भी लोगों को लूटो, लेकिन तुम में से ऐसा कोई यहाँ पर अभी तक किसी का भी चैनल प्रमोट नहीं किया, ना ही यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चैनल बनाने आया, ना ही कोई ऐसा चैनल क्रिएट करने आया जो यहाँ पर हमारी मेहनत कर सके। और उसी बीच हमारे सर जो है अंशु मौर्या सर हमारे लिए अपना चैनल क्रिएट किए, और वो जो है संघर्षमय लोग जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर मेहनत करते हैं, 300-400 वीडियो लगातार जो है अपलोड करते आए हैं, लेकिन उनका जो है चैनल यहाँ पे बूस्ट नहीं होता, उन लोगों की कहानी वो अपने चैनल पे बताते हैं, उस चैनल से कुछ लोगों का जो है हेल्प मिल सके। और उसी लिए उन्होंने जो बोला था कि आप लोग की मर्जी, आप लोग 5-10 जितना जो है डोनेट करना है करो, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करने गए थे कि आप लोग इतना करो तो करो, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। फिर भी उनके बारे में बहुत से लोग जो फेक वीडियोस बना रहे हैं, ताकि सुवेरे आप में से कोई मेरे चैनल पे भी, आप मेरे वीडियोस पे भी जो है कमेंट किए थे कि इनका जो है पहले इतना महंगा जो है 1 लाख का जो है स्कूल है, फिर भी अब लोगों से भीख मांग रहा है, कटोरा ले लो उसके बाद भीख मांगो, क्या करो यार, ये सब कमेंट मत करा करो, मैं यहाँ पे कमेंट तो डिलीट कर दूंगी, लेकिन रीड करने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रहता है, कुछ भी बोलना है किसी का बारे में बोलना है तो सोच समझ के बोला करो, या फिर खुद ही आ जाओ हेल्प करने, खुद क्यों नहीं आ रहे आप में से लोग, आप में से कोई भी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर कोई करता है तो उसका पैर खींचने बहुत ऐसे लोग आ जाते हैं। तो ऐसा YouTube पे दोस्तों मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका कोई भी यहाँ पर वीडियोस नहीं बताएगा, यहाँ पर उसके लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है, लेकिन कोई भी अच्छा करने आता तो उसका टाइम खींचने बहुत ऐसे लोग आ जाते हैं। तो ऐसा वैसा कुछ भी यहाँ पर मत बोला करो, किसी को भी सोच समझ के बोला करो, क्योंकि हमें भी, हमारे पास भी दिल, हमें भी जो है खराब लगता है कि यहाँ पर जो अच्छा कर रहा है बहुत से लोग खींच रहे, लेकिन जो यहाँ पर खराब कर रहा है उसको लोग, उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलता है,
तो YouTube पे ऐसा दोस्तों होता है, और YouTube पे ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो यहाँ पर टांग खींचने वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि उनके वीडियोस पे व्यूज़ आए। मैं यहाँ पे व्यूज़ के चक्कर में, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की व्यूज़ के चक्कर में वीडियोस बना रही है, तो व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कोई वीडियो नहीं है। आप में से लोग कोई लोग जो कॉमेंट किया तो जो मुझे पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खराब लगा, तो मुझे लगा एक वीडियो बना देनी चाहिए जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा शर्म आए कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, ना कि उसका पैर खींचो। सो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने जो है होप टॉक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग उस चैनल को सपोर्ट करिएगा, तभी उस चैनल से आपको जो है सपोर्ट मिलेगा, ताकि वो चैनल जितना हो सके आपके पास, जितना भी आपके पास है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उतना डोनेट करिए, ताकि जो एक अच्छा सेटअप बन सके, ताकि आप उनके सेटअप पे जाते हैं, अपना चैनल जो है प्रमोट करवाते हैं, तो यहाँ पर आप जो उनके रहने खाने पीने का वो व्यवस्था अच्छे से कर पाए। तो आप लोग जितना भी डोनेट करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ कि आप मुझे इतना डोनेट ही करो। जो भी लोग गलत सोच रहे हैं उनको गलत सोचने दो। और अंशु मौर्य सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगी वीडियो के लास्ट में कि ऐसे लोग होते हैं, मुझे पता है आपके पास ये सब कमेंट आ रहा है या फिर वीडियो बन रहा है तो बुरा लगता है, लेकिन ये दुनिया है, दुनिया को बोलने दो, उनका मुंह है तो मुंह बंद थोड़ी ना करवाओगे। यहाँ पर ऐसा ही होता है, अच्छे लोगों का कोई भी साथ नहीं देता है, खराब जो करता है उसका साथ सब देता है। मैं आप लोग से इतना ही कहना था, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने जो है होप टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस चैनल पर जाकर प्यार दिखाइए, और जो भी करेंगे उन पे जो है सपोर्ट करिए, ताकि आपको आगे चल के सपोर्ट मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, कैसे लगी आप लोग का ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।